नमस्कार, एक्स्ट्रा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महासमुंद में विपणन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सही समय पर धान की फसल को कस्टम मिलिंग के लिए नहीं उठाया गया, जिसके कारण 71,000 क्विंटल धान खराब हो गया है, जिसकी कीमत करीब 17 करोड़ रुपए आकी गई है। दरअसल साल 2018-19 के लिए खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य पर विपणन करने के लिए महासमुंद जिले में कुल 81 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे, जिनके जरिए करीब 31,26,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसे इकट्ठा करके 5 संग्रहण केंद्रों पर रखा गया था। इसमें से करीब 30,55,000 क्विंटल धान राइस मिलों को दे दिया गया, लेकिन बाकी 71,000 क्विंटल धान रखे खराब हो गए। बर्बाद हुए धान की कीमत 17 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिसकी भरपाई सरकार को अपने खजाने से करनी पड़ेगी। पिछले बार भंडारण 4 महीने में पूरा धान का निराकरण हो गया था, इस बार लगभग हमने 10 महीने धान संग्रहण केंद्र में रखे हैं, तो जाहिर सी बात है जो धान हम 17% मॉइस्चर पे लिए थे वो मिलर को देते समय वो 9 से 10% हो गया था, तो सुखद तो आई। पिछले बार और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रेखराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेखराज, विपणन विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही हम देख रहे हैं, आखिर क्या वजह रही इसके पीछे? आप गए होंगे, आपने बात की होगी, क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई? जी, बताना चाहूंगा, विभाग के भौतिक सत्यापन से पता चला है कि धान का समय पर उठाव नहीं होने के कारण करोड़ों का नुकसान जो है शासन को हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर जिले में 81 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 31,25,889 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, जिसको जिले के 5 धान संग्रहण केंद्रों में भंडारण करने रखा था। साथ ही 30,54,090 क्विंटल धान कस्टम मिलिंग के लिए मिलरों को दिया गया, साथ ही 71,782 क्विंटल धान रख रखाव के अभाव और समय पर मिलरों के द्वारा उठाव नहीं होने के कारण गर्मी से सूख गए, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए आकी जा रही है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल शासन को जो है करोड़ों रुपए का नुकसान इस धान के उठाव के कारण हुआ है। जी रेखराज, हम यहाँ पर अमाउंट देखें तो 17 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर हम देखें तो इतनी बड़ी लापरवाही जिस तरह से यहाँ पर की गई है, अब विपणन विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं बाहर की तरफ रखा गया था ये पूरा सामान, और धूप की वजह से बारिश की वजह से खराब हो गया, तो वहां पर सुविधाएं क्यों नहीं दी गई अगर वहां से उठाया नहीं जा सका था तो? जी, विभाग तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है कि गलती हमारी भी हुई है, और आपको मैं बताना चाहूंगा पिछले साल जो है 5 करोड़ का घाटा हुआ था, और इस बार जो है ये घाटे जो है 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी रिपोर्ट जो है विभाग द्वारा शासन को भेजी गई है। रेखराज, आप बता रहे हैं पिछली बार भी 5 करोड़ का नुकसान हुआ था, तो पिछली बार से भी इन लोगों ने सीख नहीं ली और इस बार 3 गुना ज्यादा यहाँ पर देख रहे हैं नुकसान हुआ है, 3 गुना से भी ज्यादा हम नुकसान देख रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? जी, पिछले साल जो है समर्थन मूल्य भी कम था, इसलिए जो है इस बार समर्थन मूल्य 2,500 रुपए की खरीदी की गई थी, इसका असर जो है 3 गुना बढ़ने के कारण भी इसका असर हुआ है। जो पिछले साल जो है 5 करोड़ का घाटा हुआ था, वो इस बार जो है 3 गुना बढ़ करके 17 करोड़ रुपए के आसपास गई है। रेखराज, ये जो लापरवाही हुई है अब क्या कहना है उनका? क्योंकि हर साल ऐसी चीजें हम देखते हैं और इस बार आंकड़ा हम देख रहे हैं और ज्यादा है, तो आगे से ऐसी क्या मतलब चीजें करी जाएंगी जो ऐसी चीजें सामने ना आ सके, अनाज खराब ना हो और जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से सही ढंग से हो सके? जी, व्यवस्थाएं तो पूरी जो है गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि जो है रख रखाव की स्थिति, साथ ही जो है मिलरों को सही समय पर उठाव नहीं होने के कारण भी जो है ये आंकड़ा आज 5 करोड़ से 17 करोड़। अब क्या आश्वासन दिया है उन्होंने देखा, जब क्या आश्वासन दिया है, क्या ऐसी तैयारियां करेंगे आगे जाकर के ऐसी व्यवस्था ना बन सके? जी, आश्वासन तो दिया है कि जो मिलर जो है उनको संज्ञान में लेकर के इन धान का समय पर और उचित स्थान पर ले जाकर के रख रखाव की पूरी दिशा तय की जाएगी, जिसके माध्यम से जो है शासन को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया जा सके। अब जैसे करोड़ों रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है, 17 करोड़ का हम देख रहे हैं, तो क्या बात सामने आई, कैसे इसकी भरपाई और कब तक इसकी भरपाई होगी? जी, भरपाई जो है संभवतः आम आदमी की जेब से ही हो सकती है, क्योंकि 17 करोड़ जो नुकसान हुआ है निश्चित तौर पर शासन को नुकसान हुआ है, और शासन के साथ साथ एक आम जनता के ऊपर भी इसका भार बढ़ने की बिल्कुल आशंका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेखराज, इस जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।